हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों को डिटेल में पढ़ाया है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? आपने सिंपल में देखा था कि वहां पर जो सेल थी, चाहे वो पैरेन्काइमा है या कोलेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है, सारी सेल्स एक जैसी थी और सबका फंक्शन एक जैसा था। यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या डिफरेंस है कि अभी आप देखेंगे जाइलम। पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। दो तरह के होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वाटर प्लस मिनरल। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन में हेल्प करता है। और फ्लोएम फूड। देखो, फूड और फ्लोएम ऐसे आप उसको रिलेट करके याद रखिए, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड। तो एक चीज आपको याद रहेगी तो दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे कि फ्लोएम फूड है तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर दोनों के अंदर ही फोर फोर एलिमेंट्स हैं, फोर फोर सेल्स हैं डिफरेंट टाइप की। इसके पास भी फोर सेल्स हैं, फोर एलिमेंट्स हम उनको बोल सकते हैं या फोर सेल्स का बोल सकते हैं, और इसके पास भी हैं। और ये जो फोर एलिमेंट्स हैं वो एक यूनिट में वर्क करते हैं, पर सबके फंक्शन डिवाइडेड हैं कि किसको क्या फंक्शन करना है, पर वो एक यूनिट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, वहां पर एक ही जैसी सेल्स थी और सबका फंक्शन एक था। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सेल है, फोर एलिमेंट्स आप पढ़ोगे आगे, और सबके फंक्शन डिवाइडेड है पर वो एक यूनिट के अंदर वर्क करते हैं। फोर एलिमेंट्स जाइलम के अंदर है, फोर एलिमेंट्स फ्लोएम के अंदर है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जाइलम से कि जाइलम के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और क्या जाइलम का फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, कितने टाइप का जाइलम है। तो हम देखते हैं जाइलम फर्स्ट। जाइलम जो मैंने अभी आपको बताया, जो वाटर एंड मिनरल को कंडक्शन में हेल्प करता है, और ये जाइलम जो है वो क्या है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग मैंने अभी आपको बताया है कि कंडक्टिंग यानी वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। एंड चीफ मैकेनिकल टिश्यू है यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है प्लांट को। तो ये कंडक्ट कैसे करता है, क्योंकि रूट का जाइलम, अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, रूट है यानी ये तीनों इंटरकनेक्टेड चैनल बनाते हैं। यहाँ पर अगर ये रूट है तो इसके उसके बाद स्टेम, स्टेम के बाद यहाँ पर आ गया लीफ। तो यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ तीनों का जाइलम, यहाँ पर रूट हेयर्स भी हैं, तो यहाँ पर मान लो एक ये जाइलम का पार्ट है, तो ये तीनों क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो यहाँ से जो भी वाटर यहाँ पर आएगा वो जाइलम के थ्रू पूरा कंडक्ट होके कहाँ जाएगा, लीफ के पास जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, कंडक्टिंग टिश्यू है यानी वाटर को लीफ के पास पहुंचाने का, कंडक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये चीफ मैकेनिकल एंड कंडक्टिंग टिश्यू है। और कंडक्टिंग यानी किसको कंडक्ट कर रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स को। अब हम देखते हैं कि जाइलम के टाइप्स कैसे हैं, जाइलम टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंड, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन सा स्टूडेंट, प्राइमरी जाइलम जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है तब ये डेवलप होता है, प्राइमरी जाइलम। अब इस प्राइमरी जाइलम को अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पर कि पहले क्या बना है। मान लो ये प्राइमरी जाइलम है, और मैं पहले सेकेंडरी बता दूं ताकि फिर हम प्राइमरी को डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम सबके अंदर नहीं होता, ये डायकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी जो डायकॉट के जितने भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पर सेकेंडरी जाइलम बनता है, और प्राइमरी जाइलम का जो काम है उसके बाद सेकेंडरी जाइलम वहां पर बन जाता है। तो मेन काम सेकेंडरी जाइलम वो करना शुरू कर देता है। तो सबके अंदर नहीं होगा, जितने भी डायकॉट्स के प्लांट्स हैं उनके अंदर ही सेकेंडरी जाइलम यानी सेकेंडरी ग्रोथ जिनके अंदर होती है उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है।
तो प्राइमरी जाइलम तो सबके पास प्रेजेंट है, बट सेकेंडरी जाइलम खाली जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी जितने भी डाइकॉट के प्लांट्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा। अब प्राइमरी जाइलम जो है इसको हम पता चल गया आपको कि सेकेंडरी कहाँ पर है, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ जिनके अंदर होती है यानी डाइकॉट्स के अंदर। अब प्राइमरी जाइलम जो है उस प्राइमरी जाइलम को हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पर। एक आता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और दूसरा है मेटाजाइलम। प्रोटो और मेटा, प्रोटो मींस जो पहले बनेगा, जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होगा उसको बोलेंगे हम प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो होगा मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम जो है वो पहले बन रहा है तो उसका साइज नेचुरली वो छोटा होगा। मान लो उसके हम अगर एलिमेंट्स देखेंगे तो वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा इस तरह से, मान लो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है तो इस तरह से डेड होगा ये, तो पहले छोटा बनेगा और फिर बाद में जो है हम देखेंगे तो बाद में वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो मान लो अगर ये प्रोटो है तो ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा तो ये मेटा बनता जाएगा। अब इसके प्रोटो और मेटा के बीच के बेसिस पर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू कंडीशंस में डिवाइड करते हैं, एंडार्च एंड एक्सार्च, एंडार्च एंड एक्सार्च। अब ये कहां प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, एंडार्च एंड एक्सार्च, ये डिपेंड करेगा प्रोटोजाइलम पर कि प्रोटोजाइलम कहां पर प्रेजेंट है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की साइड है, तो वो कंडीशन हो जाएगी एक्सार्च यानी बाहर की तरफ, ठीक है, जैसा रूट्स के अंदर होता है। ये कंडीशन हमको कहां देखने को मिलती है, ये कंडीशन स्टूडेंट हमें देखने को मिलती है एक्सार्च रूट्स के अंदर, जहां पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, और एंडार्च वाली कंडीशन हमको देखने को मिलती है स्टेम के अंदर। ये कंडीशन हमें स्टेम के अंदर देखने को मिलती है, और ये कंडीशंस किसके बेसिस पर डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है प्रोटोजाइलम के बेसिस पर कि प्रोटोजाइलम कहां पर है। तो हमने बोला रूट्स, रूट्स में जो है वो कौन सी कंडीशन है एक्सार्च, और स्टेम में कौन सी कंडीशन है एंडार्च। यहां पर रूट में एक्सार्च है, मींस प्रोटोजाइलम कहां है बाहर। अब आपको कैसे याद रखना है, देखिए एक्सार्च कंडीशन है तो एक्सार्च यानी बाहर, एक्स मतलब बाहर की तरफ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रूट्स हैं रूट में रूट हेयर बाहर की तरफ होते हैं, तो वहां से कोई भी चीज बाहर की तरफ निकलती है तो आप उससे रूट्स को रिलेट कर लीजिए कि एक्सार्च कंडीशन आपको कहां देखने को मिल रही है, रूट्स में, क्योंकि वो रूट हेयर बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके रूट से बाहर निकल रहे हैं, रूट बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और स्टेम तो सीधा एक ही तरफ मूव कर रहा है, बाहर कुछ नहीं निकल रहा, यहां से रूट से बाहर निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा खाली मैं याद रखने के लिए आपको बता रही हूं, तो रूट्स के अंदर क्या हो जाएगी एक्सार्च कंडीशन, और अब एक कंडीशन आपको याद हो गई तो दूसरा आप अपने आप लगा लेंगे कि एंडार्च कंडीशन कहां पर प्रेजेंट है, स्टेम के अंदर, क्योंकि जब एक्सार्च उसके अंदर है। तो देखिए रूट्स में एक्सार्च कंडीशन है, मींस यहां पर क्या होगा छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा बनता जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ये कंडीशन, ये फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, इस तरह से ये अरेंज होते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये बाहर की तरफ अगर है, मान लो अगर हम पिक बनाते हैं इस तरह से, मैं खाली एंडोडर्मिस वाला बीच वाला पार्ट बनाई हूँ, मैं जब आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो पता चलेगा ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, और मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वाला रीजन है, और यहां पर अगर बनेगा तो ये सेंटर में आ जाती है, यहां पर आ जाती है पिक, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पर अगर हमें देखना है रूट्स के अंदर तो क्या होगा, मेटाजाइलम यानी बड़ा वाला अंदर, फिर बड़ा वाला अंदर, फिर ये छोटा वाला बाहर की तरफ। तो ये कंडीशन हो गई एक्सार्च यानी प्रोटोजाइलम कहां है बाहर की तरफ। तो रूट्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है तो कौन सी कंडीशन है एक्सार्च, और स्टेम के अंदर क्या होगा, ये छोटा वाला जो जाइलम है वो अंदर की तरफ होगा और ये बड़े वाले बाहर की तरफ होंगे, यानी ये छोटा वाला जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है और पिथ की तरफ क्या है ये मेटाजाइलम है, ये मेटा और ये प्रोटो, तो प्रोटो बाहर की तरफ है तो इसलिए कौन सी कंडीशन हो गई है एक्सार्च, और एक्सार्च हमें किसमें देखने को मिलती है रूट्स में, और स्टेम में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, स्टेम में क्या होगा प्रोटो अंदर की तरफ आ जाएगा और मेटा बाहर की तरफ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगी एंडार्च। तो मुझे लगता है आपको इसको भूलना नहीं चाहिए कि एक्सार्च कहां पर है रूट्स में, और रूट्स में प्रोटोजाइलम कहां होगा जब बाहर की तरफ होगा, एक्सार्च बाहर तो प्रोटोजाइलम बाहर, और स्टेम एंडार्च अंदर की तरफ यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, यानी प्रोटोजाइलम के बेसिस पर एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन डिसाइडेड होती है। तो जाइलम ओरिजिन के बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जाइलम
अगेन टू पार्ट्स में हमने उसकी मेच्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है इसको, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। अब इस प्रोटोजाइलम के बेसिस पर हम दो कंडीशन इसको देखते हैं कि कहां पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। अगर वो बाहर पेरिफेरी की साइड है, जो एग्जैक्ट कंडीशन है जो किसमें होती है रूट्स में, और वो अंदर पिथ की तरफ है तो एंडार्क कंडीशन है जो किसमें होती है स्टेम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो बात की थी कि जाइलम और फ्लोएम फोर एलिमेंट से या फोर डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बने हैं, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो किससे मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो इसमें हमें ट्रैकीज वेसल, ये दो इसके मेन एलिमेंट हैं। बाकी आपने और दो एलिमेंट्स और हैं जिसका नाम है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया आपका जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स वो मैं भी आपको लिख के बता दूंगी। यहाँ पे जाइलम फाइबर्स यानी फोर एलिमेंट्स हो गए, ट्रेकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड फोर्थ हो गया जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स वही है जो स्केलेरेन्काइमा के बने हुए हैं, फाइबर्स हैं वो भी स्केलेरेन्काइमा के हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का इसको काम करते हैं। तो ये डेड सेल है, ट्रेकीड्स और वेसल भी डेड है, ये तीनों एलिमेंट्स इसके डेड हैं, वेसल भी, ट्रेकीड्स भी और जाइलम फाइबर भी, ये तीनों डेड है। डेड का मींस क्या है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जहां पर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है वो सेल क्या कहलाती है, डेड। अब वो डेड क्यों हुई, क्योंकि उसकी वॉल क्या हो गई, हाईली लिग्निफाइड, यानी उसके अंदर किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से कोई भी चीज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकती। तो वहां पर प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, सेल काफी थिक हो जाती है लिग्निन की वजह से, और सारी सेल्स डेड हो जाती है। सिर्फ एक पैरेन्काइमा ऐसा है, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वर्ड आते ही आप समझ जाएं, क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी ये भी डेड है, ये भी डेड है और ये भी डेड है, यानी तीन एलिमेंट्स इसके डेड हैं और एक खाली लिविंग है जो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर पार्ट क्या है इसका, डेड है। अब चार एलिमेंट्स हो गए, ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर का काम क्या है, सिर्फ इसको स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जाइलम पैरेन्काइमा जैसे पैरेन्काइमा का काम है, फूड स्टोरेज का काम करेगा, और साइडवेज, साइड में जो वाटर का कंडक्शन होता है, साइड में रेडियल डायरेक्शन में, वहां पर वाटर कंडक्शन का काम जाइलम पैरेन्काइमा करता है। अब बच गए हमारे पास ये दो, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। अब इन दो का क्या काम है वो हम देखते हैं कि ट्रेकीड्स और वेसल्स किसमें प्रेजेंट हैं और इनका दोनों का काम क्या है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कितने पार्ट इसके डेड हैं, खाली एक ही पार्ट इसका लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो हम पहले देखते हैं ट्रेकीड्स, ये जो ट्रेकीड्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये ट्रेकीड्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म यानी सब में होती है, बट वेसल खाली एंजियोस्पर्म यानी जो हायर प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर होती है, जिम्नो के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जिम्नो जो उससे लोअर कैटेगरी का प्लांट है जिसमें साइकस, स्पाइनस ये सब आते हैं। तो वेसल्स कहाँ प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म से, और ये टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो सब में प्रेजेंट है। तो ट्रेकीड्स जो है वो पहले बनते हैं, वेसल्स बाद में बनते हैं। आप इसको रिलेट करने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए टी पहले आता है, वी बाद में आता है, तो मीन्स वी बाद में बना, टी पहले बना। ठीक है, तो टी किसमें आ गया, जिम्नो में, और वी किसमें आ गया, एनजीओ में। खाली एनजीओ में वेसल्स होती है, ट्रेकिड्स नहीं होती, ट्रेकिड्स एनजीओ में भी होती है। तो यानी इसका थोड़ा सा इवॉल्व फॉर्म हो गया वेसल, तो आपको खाली मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ कि ये जिम्नो में है, एनजीओ में नहीं, एनजीओ में भी प्रेजेंट है पर वेसल खाली एनजीओ में है, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वेसल्स एनजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं है। जो ट्रेकिड्स हैं वो इस तरह से, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा का हमने पढ़ा था कि हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इस तरह से ये अरेंज होती हैं, और ये सिंगल सेल ही है, सिंगल टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके, सिंगल सेल ही है, बीच बीच में इसके स्पेस होती है, यहाँ पर कनेक्शन रहता है इसका, ताकि जो है वॉटर का मूवमेंट हो सके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पिट्स, इनको हम बोलते हैं पिट्स। ठीक है, अब ये हाईली लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निफाइड वॉल यानी लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये पूरी डेड हो गई, पूरी लिग्निन हो गई। बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन यानी कैविटी बन जाती है,
एक पाइप की तरह से, जैसे आपने कहीं पाइप लगाया और वहां से पानी उसमें एंटर कर सकता है, ऐसे ही ये इस तरह से बन जाती है पूरा एक पाइप की तरह से। पर यहाँ पर क्या होता है, जो पानी मूव करेगा वो देखिए, पानी यहाँ से ये जो स्पेस है जिसको हम बोल रहे हैं पिट, यहाँ से वाटर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा, होगा वाटर का मूवमेंट बट थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा। ये सिंगल सेल है, आपको ध्यान रखना है। ट्रैकीट क्या है, एक सिंगल सेल है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल है जिसके टेपरिंग एंड्स हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, और वाटर जो है वो इस तरह से पिट्स के थ्रू मूव कर रहा है जिगजैग इस तरह से। अब ये किसमें प्रेजेंट है, ये जिम्नो में भी है और एनजीओ में भी है। वैसल आपको ध्यान रखने के, मैंने बोला है कि डी बाद में आता है, आपको याद रखना है कि वैसल्स एनजीओ यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स हैं, ये सिंगल सेल है, ये मैनी सेल से मिलकर बनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैनी सेल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर मान लो इस तरह से अरेंज हो गई हैं, ये भी डेड है। पहले तो लिविंग होती है, मेच्योरिटी पे ये डेड हो जाते हैं, पहले लिविंग होती है उसके बाद ये मेच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं। मान लो एक के ऊपर एक, पहले सब उसमें न्यूक्लियस भी है, प्रोटोप्लास्ट भी है स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, ये भी सारी लिविंग होती है, मेच्योरिटी के टाइम पर सारे डेड हो जाते हैं क्योंकि लिग्निफिकेशन हो जाता है। मान लो लिविंग है, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें से यहाँ की ये सेल वॉल बीच में जो है वो डेपोजिट, ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो गई और ये पूरा हाईली लिग्निफिकेशन होता गया, पूरा यहाँ पर ये वॉल जो है बीच की डिजोल्व होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर पिट्स बन जाते हैं साइड में, क्योंकि साइड में भी सेल होगी, वहां पे भी वाटर का मूवमेंट होना है, तो ये प्रोटोप्लाज्म सारा गायब हो गया, पूरा ये न्यूक्लियस वगैरह सब पूरा गायब हो गया, हाईली लिग्निफाइड हो गई यानी पूरा डेड हो गया। अब डेड होने के बाद वो पूरी सेल इस टाइप से बन गई, ठीक है। अब ये इस तरह से आ गई, अब ये बीच का कनेक्शन भी इसका गायब हो गया, तो अब ये पूरा एक पाइप की तरह दिख रही है, यहाँ पर पूरा हाईली लिग्निफिकेशन है, पूरा लिग्निन डिपोजिशन हो गया, बीच की जो जितनी थी सारी सेल वॉल डिजोल्व हो गई, पूरी सेल वॉल डिजोल्व हो गई, तो पूरा एक पाइप की तरह बन गया ये। अब इसमें जो वाटर का मूवमेंट होगा, देखो वाटर का मूवमेंट स्ट्रेट होगा, इसमें कोई जिगजैग मूवमेंट नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पानी ऐसे जिगजैग मूव करेगा तो थोड़ा स्लो जाएगा, पर अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो पानी जल्दी से मूव करेगा। तो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ कि ट्रैकीज जो है वो इससे कम डेवलप है, वेसल्स जो है वो ज्यादा डेवलप है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो वेल डेवलप प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, और ये पहले तो लिविंग होती है, बाद में मेच्योरिटी पे बिल्कुल डेड हो जाती है, क्योंकि किसकी वजह से डेड होती है, लिग्निन की वजह से। जब हाईली लिग्निफिकेशन हो जाएगा तो कोई भी चीज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आ सकती है, तो धीरे धीरे सारा प्रोटोप्लाज्म और ये सब खत्म होने लग जाता है और सेल डेड हो जाती है। और यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि ये सिंगल ही सेल है, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये बहुत सारी सेल्स एक के ऊपर अरेंज होती हैं और धीरे धीरे वो उनकी जो वॉल है वो बीच की डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें वाटर जो है वो एक सिंपल पाइप की तरह बन जाता है, और वाटर पूरा इसमें आराम से मूव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि ट्रैकीट्स कहाँ होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैकीट्स जो है वो ट्रैकीटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में प्रेजेंट है। वेसल्स किसमें प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म जो हायर इसका डिवीजन है प्लांट किंगडम का, फ्लावरिंग प्लांट्स उनके अंदर प्रेजेंट है, ये मैनी सेल से मिलकर बना है जो एक ऊपर एक अरेंज है, बीच में सारा कुछ डिसॉल्व हो गया, न्यूक्लियस और ये सब प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया यानी पूरा डेड हो गई है बिल्कुल पाइप की तरह से, तो वाटर इसमें स्ट्रेट मूव करता है, इसमें भी पिट्स होती है जिसमें वो जिगजैग की तरह मूव करता है, ये भी हाईली लिग्निफाइड है, ये भी डेड है, बट ये किसमें प्रेजेंट है, जिम्नो में प्रेजेंट है, टेरिडो में प्रेजेंट है, एनजीओ में भी प्रेजेंट है। तो ये इसके चार एलिमेंट्स हैं, और ये एक यूनिट में पूरा वर्क करते हैं, सबका फंक्शन डिवाइडेड है कि भाई ये वाटर कंडक्शन में दोनों हेल्प कर रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में और साइडवेज कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, और जाइलम जो फाइबर्स थे वो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा अभी जाइलम के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि ट्रैकीट किसमें, वेसल किसमें प्रेजेंट है, वेसल कितनी सेल से मिलकर बना है, ट्रैकीट कितनी सेल से मिलकर बना है, कौन किसमें प्रेजेंट होता है, किसका क्या फंक्शन है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखा हमने मेन पार्ट यानी तीनों सेल जो थी वो डेड थी, खाली एक ही लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड, ये मैं आपको रिलेट करा चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको रिलेट कराया है कि टी पहले आता है, बी बाद में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है याद रखने की, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.